हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज जो कि खत्म हो गया। इसके बाद अब सुपर 8 का राउंड स्टार्ट हुआ है, जिसमें 4 टीम्स के 2 ग्रुप है। अभी इन 8 टीमों में ट्रॉफी की असली जंग देखने को मिलेगी। तो आइए बात करते हैं सुपर 8 के ग्रुप 1 के मैच, जिसमें एक तरफ भारतीय टीम है तो वही दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम है। यह मैच आपको 20 जून के बारबाडोस के कनिंगस्टन ओवल में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशनिंग अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहां पे मैच के दिन मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी, बादल भी छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना। ह्यूमिडिटी 78% रहेगा और टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस देखते हैं। यहाँ के पीछे T20 बैटर्स के लिए टफ है, यहाँ के पीछे अपनी स्लो आउटफील्ड के लिए जानी जाती है। कंडीशन उन बॉलर को फ़ायदा पहुँचाता है जिसके पास बहुत सारे वेरिएशन है, जैसे कुलदीप यादव हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए। इसके अलावा शुरुआती सीम मोमेंट स्विंग बॉलर को मदद करेगी। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं। जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 61% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 35% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनका एवरेज स्कोर देखते हैं। जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 153 है, तो वहीं पर सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 133 है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम इंडिया का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहाँ पर टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप का जबरदस्त स्टार्ट किया, लगातार 3 मैच जीत कर सुपर 8 में क्वालिफाई किया। लास्ट गेम में टीम का बारिश के चलते कैंसिल हो गया था। अब यहां से सारे मैच वेस्टइंडीज होंगे, इसलिए इस मैच में प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव भी कर सकती है। एक स्पिनर ऐड कर सकती है जिसमें कुलदीप यादव हो सकते हैं। वहीं पर रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन अब तक दोनों ही फ्लॉप चल रहे हैं। विराट ने 3 मैच में सिर्फ 5 रन ही बना पाए। इस मैच में टीम शायद जायसवाल और रोहित से ओपनिंग करवाए, विराट नंबर 3 पे खेल रहे हैं। वहीं मिडिल ऑर्डर में बात किया जाए जो कि शिव कुमार यादव, शिवम दुबे जो कि फॉर्म में दिख रहे हैं। ऋषभ पंत को लो ऑर्डर में उतारा जा सकता है ताकि वो स्लो ओवर में तेजी से रन बना सके। फिनिशिंग में आपको हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं। बॉलिंग में सभी बॉलर्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब तक 3 मैच में बॉलर ने मैन ऑफ द मैच जीता है, जिसमें बुमराह ने अब तक 5 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या ने 3 मैच में 7 विकेट लेकर लीडिंग विकेट टेकर भी है। मोहम्मद सिराज को यहाँ पर ड्रॉप किया जा सकता है। टीम 3 स्पिनर के साथ खेल सकती है, जिसमें जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल हो सकते हैं। हर्षदीप टीम के सेकंड पेसर होंगे। अब बात करते हैं इंडिया का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, सूर्यकुमार यादव है, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत है, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल और हर्षदीप सिंह है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह। अब अगर बात करते हो दूसरी टीम यानी अफगानिस्तान का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहाँ पर राजस्थान की टीम ने टूर्नामेंट में शानदार स्टार्ट किया। टीम ने लगातार 3 मैच में जीत हासिल किया, सुपर 8 में क्वालिफाई भी कर लिया, लेकिन लास्ट लीग मैच में टीम को वेस्टइंडीज से बड़ी हार झेलनी पड़ी। ओपनर में बात करेंगे जो कि रमनुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जार्दन जो कि अच्छे फॉर्म में। टीम को अगर जीतना है तो दोनों को अच्छी शुरुआत देनी होगी। गुरबाज ने 167 बनाकर टूर्नामेंट के लीडिंग स्कोरर भी है। वहीं नंबर 3 पर जो कि गुलबदीन नैब खेल रहे हैं, उनके पास मजबूत मिडिल ऑर्डर है। और नजीबुल्ला, जार्दन, मोहम्मद नबी के पास काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। लो ऑर्डर में बात करेंगे जो कि अपनी हिटिंग एबिलिटी के लिए साथ अजमतुल्ला, उमर जायद, आसिफ खान इस बैटिंग लाइनअप को मजबूत करते हैं। बॉलिंग में अटैक भी टीम की असली ताकत जो उनको मैच जिता रही है। भारत को सतर्क रहना होगा। यहाँ पे फजल फारूकी अब तक 12 लेकर टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर भी है। वहीं पर मुजीबुर्रहमान इस पिच पे खतरनाक साबित हो सकते हैं, जहाँ पर राजस्थान ने शुरुआती विकेट की उम्मीद है। नवीन उलहक को स्लो ओवरों में अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। ऑलराउंडर में बात करें जो कि उमर जाई, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब जो कि विकेट दिला सकते हैं। अब बात करते हैं अफगानिस्तान का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि राशिद खान है, रमनुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरन है, गुलबदीन नायब है, अमरजीतुल्ला, उमर जाई है, मोहम्मद नबी है, नजीबुल्ला, जादरन है, करीम जनत है, मुजीबुर्रहमान है, नवीन उलहक है, फजल फारूकी। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि राशिद खान है, रमनुल्लाह गुरबाज है, इब्राहिम जादरन है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन देखते हैं। रिसेंट टाइम में दोनों की टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। दोनों टीम के स्क्वाड स्ट्रेंथ को देखते हुए अभी इंडिया आगे चल रही है, लेकिन अफगानिस्तान हाल फिलहाल में जिस तरह का परफॉर्मेंस किया उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन टीम की ताकत देखते हुए यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग मैच विनर इंडिया होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहना, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।